हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे सूजी के हेल्दी और टेस्टी पराठे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सूजी लिए हैं। सूजी को हम बड़े बर्तन में डाल देंगे। अब इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुका है। 5 मिनट के बाद हम इसे जार में डाल करके पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने जार में डाल करके पीस लिया है। पीसने के बाद हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम हल्का सा मैश करते हुए डाल देंगे। इन सभी को डालने के बाद हम यहाँ पर लिए हैं 1 कटोरी गेहूं का आटा, इसे भी हम डाल देंगे। तो यहाँ पर गेहूं के आटा आपको जितना ज़रूरत पड़े उतना आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी लिया है गेहूं का आटा और डाल करके हम अच्छे से इसका डो तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से अच्छे से डो तैयार करने के बाद हम थोड़ा सा सरसों तेल लेंगे हाथ पर और अच्छे से इसे चिकना कर लेंगे आटा को। अच्छे से चिकना करने के बाद हम आटा में से 1 लोई लेंगे। तो इस तरह से हम लोई ले लेंगे और इसको हम सूखा आटा लगा लेंगे दोनों साइड। सूखा आटा लगाने के बाद हम इसको बेलन से बेल लेंगे पतला रोटी की तरह। अच्छे से पतला बेलने के बाद हम इसमें थोड़ा सा सरसों तेल लगा लेंगे। तो आप यहाँ पर सरसों तेल के जगह तेल, घी या रिफाइन ऑयल, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं आप उसे लगा दीजिए। उसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा और तेल लगा लेंगे और उसके बाद हम दोबारा मोड़ लेंगे और इसे हम सूखा आटा थोड़ा सा डाल करके बेल लेंगे बेलन से। अच्छे से बेलने के बाद ये हमारा त्रिकोण शेप का पराठा बनके तैयार हो गया है। तभी इसे हम गरम तवा पर डाल करके अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमने तवा गरम कर लिया है। इसमें थोड़ा सा हम तेल लगा करके चिकना कर लेंगे। उसके बाद हम पराठे को डाल देंगे। पराठे को डालने के बाद हम दोनों साइड उलट पलट करके हल्का तेल लगा करके इसे सेक लेंगे। तो पराठे में हमने दोनों साइड तेल लगा करके अच्छे से हल्का छोलनी से दबाते हुए सेक लेंगे। तो दोस्तों, आप भी अगर सूजी के पराठे इस तरह से बनाएंगे तो हेल्दी और टेस्टी और नरम भी होता है। आप लंबे समय तक रख सकते हैं। इसे सॉफ्ट रहता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। आप सब्जी नहीं बनाएंगे तो भी अचार या चटनी के साथ इसे खा सकते हैं। और ये देखिए एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है और साथ में हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पर हमने चटनी ले लिया है। तो दोस्तों, सूजी के पराठे का रेसिपी आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।